लोकी इज अनडाउटिंगली एवरीवन्स फेवरेट टीवी सीरीज, आई गेस यू विल अग्री ऑन दैट। उसके पिछले सीजन में भी बहुत सारे ऑसम वीएफएक्स शॉट्स थे उसके अंदर, और इस बार भी जैसे कि ये टाइम स्लिप जिसमें ये अजीबोगरीब ग्लिचेस के साथ कोई भी पर्सन टाइम में आगे पीछे शिफ्ट होता रहता है। और जब इसका ट्रेलर आउट हुआ था तो उसी के एक दो दिन बाद ही रेड जायंट के एक फेमस शो वीएफएक्स एंजल में हाशी सेथ एंड माइकल ने इसको रिक्रिएट करके दिखाया था विद इन आफ्टर इफेक्ट्स, और वो बहुत ही कूल था, तो इसलिए आई वांट टू ट्राई दैट। So, hey everyone, welcome to Framecraft episode 5. तो जिस टेक्निक को यूज कर हाशी सेथ और माइकल ने से बनाया था वीएफएक्स एंजल में, मैं वही टेक्निक इसमें यूज करने वाला हूँ। वो मैंने पूरा लाइव सेशन देखा, उसी में से मैंने देख देख कर सब कुछ समझा, और उसी के बाद मैं उसी टेक्निक को यूज करके इसे बनाने वाला। तो सबसे पहले मैंने अपनी ग्रीन स्क्रीन फुटेज शूट की कुछ इस तरह से एक्शन करते हुए, और उसके बाद एक क्लीन प्लेट भी ले ली जो हमको आगे काम आए, तो इसलिए ले ली। देन उसके बाद मैंने अपनी फुटेज का डेप्थ मैप निकाला यूजिंग डाविंची रिजॉल्व, और उसमें मैंने सिर्फ डेप्थ मैप इफेक्ट लगाकर इसको एक्सपोर्ट कर लिया और कुछ नहीं। अगर तुम्हें निकालना है तो तुम रनवे एमएल वेबसाइट का यूज कर सकते हो, वो एक फ्री एआई वेबसाइट साइड है जिसमें तुम डेप्थ मैप क्रिएट कर पाओगे, और नहीं तो तुम यूज कर सकते हो डेप्थ स्कैनर प्लगइन का जो कि आफ्टर इफेक्ट्स के लिए। देन आफ्टर इफेक्ट्स में मैंने अपने डेप्थ मैप फुटेज को और अपनी रियल फुटेज को सिंक कर दिया, और उसके बाद मैंने अपनी रियल फुटेज में से ग्रीन स्क्रीन को की आउट कर दिया, और उसके बाद मैंने उसको डेप्थ मैप की लेयर के साथ ल्यूमा मैट पर शिफ्ट कर दिया। देन मैंने उन दोनों लेयर्स को प्री कॉम किया, और उसके बाद प्री कॉम वाली लेयर पे मैंने मैट चोकर इफेक्ट लगाया, एंड दिस इज वेयर द रियल फन बिगिंस। यहाँ पे तो मैट चोकर इफेक्ट के साथ खेल कर बहुत से कूल और ऑसम रिजल्ट्स इसमें बना सकते हो, और ये मतलब काफी इंटरेस्ट। और उसके बाद मैंने अपनी लेयर को डुप्लीकेट किया, डुप्लीकेट करने के बाद मैंने उसे टाइम में थोड़ा सा आगे शिफ्ट किया, और उसके मैक जोकर सेटिंग्स के इफेक्ट्स सब थोड़ा सा चेंज वेंज कर जैसा रिजल्ट मुझे अच्छा लगा मैंने उसके हिसाब से उसको सेट कर दिया। और उसके बाद मैंने एक दो लेयर्स को और कंबाइन कर उसको ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ रेंडर कर लिया। देन उसके बाद मैंने उसको न्यू कॉम्पोजिशन में इम्पोर्ट किया, और इम्पोर्ट करने के बाद मैंने उसको डुप्लीकेट किया, डुप्लीकेट करके मैंने उस पर लगाया ये स्मियर मॉन्गर प्रीसेट। और वेल ये स्मियर मॉन्गर प्रीसेट क्या है, ये प्रीसेट सेट ने वीएफएक्स एंजल के एपिसोड में समझाया था कि इसको यूज कर उन लोगों ने ये स्ट्रेची इफेक्ट का बनाया था, और उन लोगों ने इसका नाम रखा था स्मियर मॉन्गर, तो मुझे भी वो नाम बढ़िया लगा, तो मैंने लाइव में देखकर उसको बनाया, और उसके बाद मैंने भी सेम नाम रखा। और इसको बनाने में बहुत झंझट है सच में, इसमें एक्सप्रेशन वगैरह का बहुत काम होता है, तो तुम्हें उसका झंझट लेने की जरूरत नहीं है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इस प्रीसेट का, तुम डायरेक्टली डाउनलोड करके इसको अपने आफ्टर इफेक्ट्स की प्रीसेट वाले लोकेशन में डाल देना, और उसके बाद तुम इसे यूज कर सकते हो। और स्मियर मॉन्गर प्रीसेट लगाने के बाद मैं मेनली दो वैल्यूज पर ध्यान देना है, जो कि ये टू एंड फ्रॉम वाला पॉइंटर इफेक्ट, और उसके पॉइंटर वैल्यू के लिए तुम्हें की फ्रेम्स लगाने होंगे अपने फुटेज के हिसाब से। जैसे अगर मुझे यहाँ पर स्लाइम चाहिए तो मैं फ्रॉम का पॉइंट इधर लगा दूंगा, टू का पॉइंट यहाँ पर, स्ट्रेची स्लाइम सा इफेक्ट बन जाएगा। और ऐसे करके तुम अपनी लेयर्स को डुप्लीकेट कर और भी इसमें स्लाइम्स ऐड कर सकते हो, और उसको की फ्रेम्स लगा देना जिससे वो एनिमेट हो जाएगा। और ऐसा ही करके मेरी टाइमलाइन कुछ ऐसी दिखी, मैंने इतने ज्यादा इसमें स्मियर इफेक्ट्स लगाए। और अगर तुम्हें फिर भी देखना है कि इस स्मियर मॉन्गर प्रीसेट को कैसे बनाते हैं, तो तुम वीएफएक्स एंजल का वो लाइव सेशन देख सकते हो, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। स्मियर मॉन्गर प्रीसेट लगाने के बाद उन सारी स्मियर वाली लेयर्स में रियल स्मार्ट मोशन ब्लर इफेक्ट लगा देना, या फिर मोशन ब्लर इफेक्ट अगर तुम्हारे पास कोई और है तो तुम वो लगा देना। मैंने रियल स्मार्ट मोशन ब्लर को यूज किया, और उसके बाद बस मैंने पीछे अपना बैकग्राउंड लगाया। And that's it. तो वीडियो बनाते वक्त मुझे याद आया कि मैं तुम लोगों को कुछ बात बताना भूल गया था। और अगर हम इफेक्ट की बात करें तो हाँ, नो डाउट इफेक्ट बहुत कूल लग रहा है, मतलब ये काफी बढ़िया है, बट ये एक अपनी लुक में बढ़िया है, इसको हम यूज कर सकते हैं थोड़ा दिमाग लगाकर, बट ये वैसा नहीं लग रहा है। और उसमें साफ पता लग रहा है कि लोगों ने 3D यूज किया है, क्योंकि यहाँ पर ये जो स्लाइम्स है उसकी खुद की डेप्थ है शेडोज की वजह से, और उसके हाईलाइट्स की वजह से, और उसके स्लाइम के बीच में से भी लाइट पास हो रही है, तो वो एक उसको खुद एक डेप्थ ऐड कर देता है। और ये सेम चीज वीएफएक्स एंड चिल के एपिसोड में भी उन लोगों ने समझाई थी कि वो उन लोगों ने कुछ इस तरह से कुछ स्लाइम वगैरह वाली चीज का कुछ सिमुलेशन का यूज किया है। और उसी से रिलेटेड मुझे ब्लेंडर में एक प्लगइन मिला था स्लाइम वाला, तो मैंने उससे इसको बनाने का ट्राई किया था, बट ये स्लाइम अभी वैसे काफी अच्छी लग रही है, बट जैसे ही हम इसको ऑन करते हैं इस एनिमेशन को, तो ये कुछ इस तरह से विगल करना चालू कर देता है, पता नहीं क्यों इतना जिटरी हो जाता है। और ये मॉडल्स थोड़ा थोड़ा सा हिल रहे हैं बस, जस्ट हल्का हल्का सा एक डांसिंग मूव टाइप सा है,
वो मैंने मिक्स मोशन एनिमेशन ली।